सो गाइस, आज जिस लैपटॉप के बारे में हम बात करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू मी वो लैपटॉप है जिसमें पूरी कैपेबिलिटी रहती है लैपटॉप ऑफ द ईयर बनने के लिए। सो जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आसूस की तरफ से आने वाला एसूस रॉग ज़ेफायरस G15। आप सबको पता है कि G14 एक बहुत बड़ा हिट गेमिंग लैपटॉप, मतलब लाइट वेट कैटेगरी का गेमिंग लैपटॉप रहा था 2020 में। एंड मैनी ऑफ यू वर आस्किंग टू मी सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर कि G15 कब आएगा। तो G15 आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा इंडिया में, जस्ट बिकॉज उसके दो वेरिएंट्स लिस्ट हुए हैं फ्लिपकार्ट पे, जिनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डिटेल में बात करने वाले हैं एसूस रॉग ज़ेफायरस G15 के बारे में। बहुत बढ़िया लैपटॉप है, ट्रस्ट मी, आपको सारी वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि ये लैपटॉप ऑफ द ईयर फॉर श्योर बन सकता है। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छी लग जाए देन डू लाइक माय वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो छोड़ के मत जाना, बिकॉज हमें रीच को बढ़ाना है, वॉच टाइम बढ़ाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंडेशन मिले वीडियो की। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले तो डिज़ाइन एस्पेक्ट आता है, ठीक है। अगर आप डिज़ाइन के बारे में बात करोगे ना, तो डिज़ाइन लास्ट ईयर जैसा ही है। हाफ ऑफ द लैपटॉप इज बिल्ड ऑफ एल्यूमिनियम एंड हाफ जो है आप पॉलीकार्बोनेट से बिल्ड हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आप टॉप ऑफ द लिड देखोगे तो आपको वही डॉट्स देखने को मिलेंगे। बट द स्ट्रेंज थिंग इज, इस बार आपकी LED ग्लो नहीं करेगी। आपको याद होगा लास्ट टाइम G14 में एनिमी मैट्रिक्स करके एक फीचर था, जिससे उसकी बैक पैनल था जो वो पूरा ग्लो करता था, आप उसको कस्टमाइज कर सकते थे। बट इस बार G15 में वो फीचर आपको नहीं देखने को मिलेगा। वेल, दिस इज नॉट अ डील ब्रेकिंग फॉर मी, बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो ये चीज़ मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती, बट आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद डिज़ाइन आपको अगेन दो ग्रे एंड वाइट कलर ऑप्शंस इस बार मिल जाएंगे। कीबोर्ड आपको फुल साइज़ नहीं मिलता है इसमें, बिकॉज ये लाइट वेट कैटेगरी का लैपटॉप रहता है, 14-inch कैटेगरी में आता है। तो आपको ऊपर की तरफ ही स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, बैकलिट सपोर्ट मिल जाएगा, सिंगल बैकलिट सपोर्ट, कुछ आपको हॉटकीज देखने को मिलेंगी, पावर बटन भी आप देख सकते हो इस तरह से प्लेस किया गया है। एंड यहाँ पे मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ कि जो इसकी बैकलिट होगी वो ज़्यादा मेक सेंस करेगी ग्रे वाले ऑप्शन में, बिकॉज वाइट कीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइट हैं, जिसकी वजह से शायद आपको बैकलिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी डिज़ाइन में यही है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा बिल्ड मिलेगा, काफ़ी सही चीज़ें रहेंगी। लेकिन बात करते हैं इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। तो राइजन 7 5800HS ऑक्टाकोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर मिलेगा, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर है। अब आपके दिमाग में आएगा HS क्यों है ये। HS का मतलब रहता है कि हाई परफॉर्मिंग लाइट वेट लैपटॉप्स में यूज़ होने वाला प्रोसेसर, यानी परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है इस प्रोसेसर में। एंड अगर मैं आपको स्टैट्स भी दिखाऊं, तो ये राइजन 7 4800H और राइजन 7 5800H के बीच का प्रोसेसर है, तो उसका स्कोर इन दोनों के बीच में है। इट्स मोर पावरफुल देन प्रीवियस जनरेशन 4800H एंड अ बिट लेस पावरफुल देन 5800H, तो HS इन दोनों के बीच में लाई करेगा। एंड अगर आपको Geekbench स्कोर इसका दिखाऊं, तो मल्टी कोर में आपको 7298 एंड सिंगल कोर में आपको 1472 स्कोर इसका देखने को मिलता है राइजन 7 5800HS का। तो यहाँ से आपको अच्छा आइडिया हो गया होगा कि परफॉर्मेंस के साथ आप ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, ओवरऑल आपको एक बेस्ट लैपटॉप बेस्ट प्रोसेसर के साथ मिल जाएगा। RTX 3060 6GB DDR6 VRAM आपको देखने को मिलेगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि TGP कितनी है, बिकॉज यही 2021 का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है जब भी हम RTX 30 सीरीज की बात करते हैं। तो इसमें आपको 80 वॉट आपको बेस मिलेगा इसका एंड 15 वॉट का डायनामिक बूस्ट, तो अप टू 95 वॉट तक आपको जो है इसमें TGP देखने को मिल जाएगा। तो HS सीरीज का प्रोसेसर है, मुझे ज़्यादा यहाँ दुविधा नहीं है, आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। ज़्यादातर गेम्स आप जो है अल्ट्रा या हाई सेटिंग्स में आराम से 40-60 FPS में खेल पाओगे, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। देन 16GB की रैम है, दो वेरिएंट्स आपको लिस्ट हुए मिलेंगे फ्लिपकार्ट में, दोनों में 16GB 3200MHz मिलती है, 1TB की SSD मिलती है, बट रैम स्लॉट एक ही मिलता है। आई सीरियसली डाउट ऑन दिस कि एक क्यों है, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा, बट फिलहाल जितनी मेरी नॉलेज है इसमें एक ही रैम स्लॉट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 15.6 inches की क्वाड HD डिस्प्ले आपको मिलेगी 165Hz के साथ, 300 nits का ब्राइटनेस होगा एंड 100% sRGB 100% DCI-P3 DCI-P3 जो कलर गैमेट रहता है वो sRGB से भी ज़्यादा कवरेज देता है, तो कलर एक्यूरेट बहुत ज़्यादा रहने वाली है डिस्प्ले। ट्रस्ट मी, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत अच्छा लैपटॉप निकल कर सामने आएगा, परफॉर्मेंस प्लस एक्यूरेट डिस्प्ले। तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक तो पोर्टेबल रहेगा, बिकॉज अंडर 2 kg इसका वेट है। सेकेंड चीज़, कलर एक्यूरेसी मिलेगी, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने काम को करते हुए।
उसके बाद बैटरी 90 वॉट आर की है, 4 सेल बैटरी है, 200 वॉट का एसी पावर अडैप्टर है। एंड यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आप सी टाइप चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये लैपटॉप 100 वॉट तक, जो कि फास्ट तो नहीं होगी, ऑब्वियसली आपके लिए पोर्टेबल रहती है वो चीज़। एंड 90 वॉट आर का बैटरी बैकअप है, तो नॉर्मल यूजेज में आप आराम से 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हार्ड कोर यूजेज में भी 4 घंटे मिल जाएंगे, एंड गेमिंग तो प्लग इन करके ही रिकमेंडेड है। उसके बाद पोर्ट्स कॉन्फ़िगरेशन मुझे इस लैपटॉप की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इसमें आपको 2 USB 3.2 जनरेशन 2 टाइप ए मिलेंगे, डिस्प्ले पोर्ट एंड जी सिंक, 2 USB टाइप सी 3.2 जनरेशन 2 पावर डिलीवरी और डिस्प्ले पोर्ट के सपोर्ट के साथ। तो पावर डिलीवरी मैंने आपको पहले ही बताया, 100 वाट तक आप जो है चार्ज कर सकते हो। एक कार्ड रीडर मिलेगा, RJ45 माइक इन एंड HDMI आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों वाईफाई 6 ब्लूटूथ वर्जन 5.1 इन सभी चीज़ों के साथ ही आता है। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 भी मिलता है, विंडोज 10 होम भी मिलता है, बट आपको वेबकैम नहीं मिलता। लेकिन ASUS ने इसका भी ध्यान रखा है, आपको फुल HD 1080 पिक्सल एट 60 FPS एक्सटर्नल वेबकैम आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो वेबकैम मिसिंग है उसकी आपको कमी ना खले। एंड वो देखो बेजल छोटे हैं लैपटॉप के, दैट इज़ वाई वेबकैम मिसिंग है, बट आपको एक्सटर्नल मिल जाता है तो यहाँ पे भी ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं वर्ड्स बताऊँ, अगर आप एक अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हो अंडर 1.5 लाख, जिसकी बिल्ड अच्छी हो, थर्मल्स अच्छे हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हो, एंड एक पोर्टेबल स्मार्ट लुकिंग बिल्कुल मिनिमलिस्टिक लुक्स के साथ आए, आपको ज़्यादा एग्रेसिव डिज़ाइंस पसंद नहीं है, सो दिस इज़ द लैपटॉप फॉर यू एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट लैपटॉप ऑफ 2021। ये मेरे वर्ड्स मार्क कर लेना एंड आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई है तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।